हेलो गाइज, मॉल स्टडी में आपका स्वागत है। गाइज, अगर आपने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया हुआ जो उत्तराखंड बोर्ड का हुआ था हाल ही में, टोटल मार्च जो हुआ था उसका एग्ज़ाम चला था 1 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, उसका जो रिजल्ट यहाँ पे है वो 31 मई को पब्लिश करने का यहाँ पर न्यूज़ में आ रहा है कि 31 मई को जो रिजल्ट है वो वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा जो यूके बोर्ड है वहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट को कैसे चेक करना है वो थोड़ा मैं प्रोसीजर बताना चाह रहा था। इसका जो प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर UBSC.UK.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं UBSE, उसके बाद .UK डालना है, .gov एंड उसके बाद .in। ये आपका भी ऑफिशियल वेबसाइट है यूके बोर्ड का, जो 12th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए। और यहाँ पर रिजल्ट यहीं इसी बोर्ड पे देगा, बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी यहीं पे देगा। तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट अगर खुल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इसका मैंने खोल रखा ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो आपका अगर खुल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मतलब कहाँ पर जाना है जो रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश कर रखेगा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर दे रखा है कि रिजल्ट एडमिट कार्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट दिया होगा आपको यहाँ पे दे देगा, सारा लिंक दे देगा कि कैसे यहाँ पर रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप में यहाँ पर लिंक दे देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वेबसाइट खुलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डालने बोलेगा, और उसके बाद वहाँ पे कैप्चा वगैरह वेरिफिकेशन कराएगा और उसके बाद सबमिट बटन दबाने बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर उस प्रोसेसर में जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और जो रिजल्ट का वहाँ पर PDF फाइल होगा वो अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीजर यही था। और एक यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है कि यहाँ पे बोर्ड रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक यहाँ पे ब्लू टाइप का बोर्ड दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड रिजल्ट्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन इसमें जो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वेबसाइट खुल रहा है यहाँ पर दिखा रहा है कि 2018 का यहाँ दिखा रहा है, और जबकि 2019 का दिखाना चाहिए था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 का दिखा रहा है, 10th क्लास एग्जामिनेशन रिजल्ट 2018 एंड 11th 12th क्लास एग्जामिनेशन रिजल्ट 2018। तो यहाँ पर 2018 का दे रखा है, तो इस हिसाब से मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था कि इसका जो रिजल्ट है वो देगा कहाँ। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पहला प्रोसीजर बताया कि रिजल्ट और एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पे था, वन सेकेंड, ओके, आप देख सकते हैं यहीं पे था रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड। तो इसी वेबसाइट पर जाके और इस लिंक पर जाके आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर जो भी रिजल्ट देगा वो आपको यहाँ पर लिंक दे देगा, उस पर जाके आपको सिर्फ क्लिक करना रहेगा। जैसा मैंने बताया यहाँ टॉप में दे देगा, लिंक दे देगा, क्लिक करके उसके बाद अपना रोल नंबर डाल के सबमिट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर था, और इसके बारे में मैंने बता दिया। जो ब्लू बोर्ड यहाँ पर दे रखा है, बोर्ड रिजल्ट 2018 दे रखा है, प्रीवियस रिजल्ट जो है उसका दे रखा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको, और सीधा सीधा यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट बटन दबा देना है, एंड उसके बाद अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यही प्रोसीजर था इसका। और इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं वो जो एग्ज़ाम दिए हैं 2019 में 12th बोर्ड का, वो टोटल 1,32,000 के आसपास स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम दिए हैं, और मेरे ख्याल से 70-80% के आसपास जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। जैसा प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और जो रिजल्ट देखने का वेबसाइट हुआ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा लिंक्स हैं जहाँ पे अगर वेबसाइट स्लो हो जाता है या फिर सर्वर स्लो हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जो वेबसाइट है वो भी उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर प्रोसीजर फॉलो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यूज़ आएगा इससे रिलेटेड या फिर और भी जो नोटिफिकेशन जॉब्स आते हैं या रिजल्ट आते हैं वो मैं पब्लिश करते रहता हूँ, तो इस हिसाब से आपको तुरंत न्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर मैं आता हूँ। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।